स्वागत तो है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो यहाँ पे देखिए, मैं मधुबनी ज़िले से एक न्यूज़ लेकर के आई हूँ। कितने BEO जो पदाधिकारी हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनके ऑफिसर जिनका जो वेतन है वो रोक दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे माजरा है क्या। 5 प्रखंडों के BEO का एक दिन का वेतन रोका मधुबनी शिक्षा विभाग। DM अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें DM ने बैठक से अनुपस्थित रहेगा बासोपट्टी, कलवाही, मधेपुर व जयनगर BEO का एक दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने कस्तूरबा विद्यालयों की समीक्षा के क्रम में मधेपुर खजौली व बाबूराही की कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन के लिए छात्राओं की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताई। कहा कि विद्यालयों में नामांकन के विरुद्ध 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें। शिक्षा कोष पर शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में जयनगर, मधेपुर, घुघरडीहा का प्रदर्शन निम्न पाया गया। उन्होंने अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। पोर्टल पर बच्चों की एंट्री की समीक्षा में लखनौर का प्रदर्शन सबसे निम्न पाया गया। निर्देश दिया कि स्कूलों में 100% छात्रों एवं शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस करें। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हम सभी का दायित्व है। DM ने निर्देश दिया कि सभी BEO निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% विद्यालय का निरीक्षण कर हर सप्ताह निरीक्षण रिपोर्ट ई शिक्षा कोष ऐप पर अपलोड करें। DM ने कहा कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय में शौचालय की स्थिति, पोशाक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन गुणवत्ता, पठन पाठन गुणवत्ता सहित सभी मामलों का अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षक से स्पष्टीकरण पूछते हुए उनका उक्त दिवस का वेतन रोका जाए। कहा कि आवंटन उपलब्ध रहने की स्थिति में शिक्षक और टोला सेवक के वेतन मानदेय भुगतान हर हाल में समय करें और भुगतान संबंधित रिपोर्ट प्रति माह उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में ऐसे सभी विद्यालयों जिसके भवन जर्जर हैं और उनमें पठन पाठन से बच्चों के हित का नुकसान हो रहा है, ऐसे विद्यालयों की सूची शीघ्र उपलब्ध करवाने को कहा ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। DM द्वारा स्टूडेंट एनरोलमेंट मॉड्यूल, असैनिक कार्यों की प्रगति, स्कूलों में विद्युतीकरण, माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में निर्माण, जल जीवन हरियाली, CWGC, GCM, एमरजेंसी के मामले आदि अन्य विषयों की समीक्षा भी की गई। बैठक में DPRO परिमल कुमार, DEO जावेद आलम व सभी DPO सहित जिले के सभी प्रखंडों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी थे। तो इस न्यूज़ को आप किस तरीके से देखते हैं ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।